अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज आप सभी लोगों के लिए मैं चिकन बिरयानी की एक बहुत ही सिंपल और क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिस रेसिपी को फॉलो करके आप घर पर जो है वो इजीली एक लजीज और मज़ेदार सी बिरयानी रेडी कर सकते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो प्याज का जो बरिस्ता होता है ना, सबसे पहले हमने इसे रेडी कर लिया है। और उसके रेडी करने के बाद हमने फिर पॉट में जो है वो सेम ऑयल लिया है जिसमें हमने जो है वो प्याज को फ्राई किया था। आपके पास अगर ये रेडी हो, अगर पहले से फ्रीज की हुई हो, तो आप इस स्टेप को जो है स्किप कर सकते हैं, जैसा कि हमेशा मैं भी करती हूँ। लेकिन इस बार जो है वो मेरे पास जो है वो प्याज जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए पहले मैंने इसे प्रिपेयर किया है। अगर आपको अपना टाइम सेव करना हो तो आप जो है ये स्टेप सबसे पहले जो है वो रेडी करके रख सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने ये दो मीडियम साइज की अनियंस है, इसको मैंने एकदम बारीक बारीक जो है वो स्लाइस किया है। जिस तरीके से हम बरिस्ता की जो अनियंस कट करते हैं ना, स्लाइस करते हैं, बस वैसे ही हमें ये भी करना है। क्वांटिटी आप इसको अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली मुझे इसका जो ग्रेवी बनता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें जो अनियंस है वो मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इसकी वजह से। बजाय कि आप मसाले की ज़्यादा क्वांटिटी करो, आप इसमें प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसे अच्छे तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करना है। अनियन जो है वो अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तब इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखिएगा जिंजर गार्लिक के पेस्ट की। अब इसके साथ भी हम जो है वो इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो अच्छा स्मेल है इसका वो चला जाए। जिंजर गार्लिक को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो अच्छे से भुना है, अदरवाइज़ जो प्याज है हमारी वो और भी ज़्यादा जल जाती क्योंकि एकदम ड्राई था हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन के पीसेस। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश किया है और उसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। क्वांटिटी चिकन की आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है। अब चिकन के पीसेस को इस अदरक लहसुन और प्याज के मिक्सचर के साथ अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है। इसके साथ भूनने से जो चिकन का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकल कर आता है, इसलिए इस स्टेप को जो है वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसे अच्छे से जो है इसकी भुनाई कीजिएगा। चिकन के साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो मेरे पास ये आलू बुखारा है ड्राई वाले, तो ये इसके अंदर मैं 2-3 पीस डाल दूंगी। ये साथ साथ में जो है ये भी भुनता रहेगा, उसका भी टेस्ट जो है वो निकल कर आएगा। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे जो अच्छे से भुनने देते हैं हम लोग। जब तक चिकन हमारा उधर भुन रहा है तब तक हम इसके लिए जो एक स्पाइस मिक्सचर है वो हम रेडी करते हैं। इस बोल में सबसे पहले मैं लूंगी योगर्ट। अभी यहाँ पर मेरे पास जो है वो शान का दो मसाला है, एक तो सिंधी बिरयानी और दूसरा है बॉम्बे बिरयानी। शान के ये दो मसाले जो है वो मैं रेगुलरली यूज़ करते रहती हूँ, तो जब भी मेरा मन करता है या तो सिंधी या तो बॉम्बे, मैं कोई भी मिक्सचर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ घर के मसाले जो हैं थोड़े वो भी ऐड करती हूँ, क्योंकि सिर्फ अगर इस मसाले का बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मसाला जो है वो फील होता है, तो इतनी मसाले वाली बिरयानी हमें नहीं पसंद, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा घर का भी जो मसाला है वो ऐड करेंगे। तभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये सिंधी बिरयानी ले रही हूँ। आपके पास जो भी मसाला अवेलेबल हो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये क्विक बिरयानी है और इजी टू कुक है, तो हम लोग जो है वो पैकेट का मसाला भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो है वो खड़े गरम मसाले भी रहते हैं साथ में, तो हमें कुछ ऊपर से जो है वो स्पाइसेस को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर मसाला। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच घर का, साथ ही इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट। ये सारी चीज़ें हम दही के साथ मिक्स करके जो है वो फिर हम उसमें डालेंगे, तो ये अच्छे तरीके से कुक होता है।
साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, मुझे एकदम येलो येलो बिरयानी जब वो पसंद नहीं आती है, हल्का सा उसमें रेडिश टंच होना चाहिए। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने सारे स्पाइसेस को दही के साथ जो है वो मिक्स कर लिया है। अब जब चिकन हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब इस मिक्सचर को जो है हम उस ग्रेवी में डाल देंगे। चिकन जो है 4-5 मिनट तक अच्छे से भुन गया है, साथ ही इसने पानी जो है वो भी छोड़ दिया है। और इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है स्पाइसेस का वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो दही का पानी छूटेगा और जो चिकन का पानी छूटा है इसी में जो है वो चिकन अच्छे से भुनाई करेगा और उसी में गल भी जाएगा। पहले इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लीजिए, फिर उसके बाद इसे कवर करके धीमी आंच पे छोड़ देना तो चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और मसाले भी कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। ये चिकन जो है वो हमारा अच्छे से कुक हो गया है, इसमें अभी भी थोड़ा ग्रेवी बचा हुआ है तो अभी थोड़ी देर और इसे हम खोल करके तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि जो उसका पानी है वो थोड़ा और ड्राई हो जाए। पूरी तरीके से नहीं सुखाना है क्योंकि जब हम दम पे रखते हैं राइस को तो उस टाइम पर भी जो उसका पानी है वो खुश्क होता है। अगर हम पहले ही एकदम खुश्क जो है इसकी ग्रेवी रखेंगे तो उस टाइम पर जो राइस है हमारा वो एकदम ड्राई ड्राई रहेगा, उसके अंदर ज़रा सा भी ग्रेवी का या मॉइस्चर ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं होगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसके अंदर हमें इस ग्रेवी में हमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो रखना है ताकि जब हम दम पर उसे रखें तो जो उसका जो मॉइस्चर है वो सब कुछ जो है वो राइस में चला जाए। अभी इस पॉइंट पर हम जो है इसके अंदर ऐसे स्लाइस किए हुए टोमेटोज और एक दो ग्रीन चिली जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये टोमेटोज जो है इसी में अच्छे से गल भी जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर जो है वो चला जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें टोमेटोज को जैसे प्योरे बना के नहीं डालना है, थोड़े से खड़े खड़े जो चंक्स आते हैं वो भी इसका अच्छा एक टेस्ट देते हैं, इसीलिए इसके अंदर मैं कोई इसकी प्योरी नहीं डाल रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मैं टोमेटोज की जो क्वांटिटी वो डाल रही हूँ, बस थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी। अब इसे वापस से हम 2-3 मिनट के लिए और कुक करते हैं ताकि इसका जो पानी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और जो टोमेटोज हैं हमारे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेवी है हमारी चिकन की वो रेडी है, इसमें जो टोमेटोज हैं देखिए वो भी इस तरीके से टूट गए हैं। हमें बस इसी तरीके से इसका टेक्सचर चाहिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़े से इसके बिट्स भी जो है वो खाने के टाइम पर आने चाहिए। और जितना ये थिक है इसमें जितना भी कंसिस्टेंसी इसकी है इस टाइम पर ग्रेवी की ये इसके लिए इनफ है, अब इससे ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना है। तो इस पॉइंट पर जो है वो हम अब इसे स्टोव को ऑफ कर देते हैं, ये ग्रेवी जो है वो हमारी रेडी है। बस आप इसका जो सॉल्ट है वो आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्ट इस टाइम पर थोड़ा सा खुलता हुआ भी अगर रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि राइस में हम कितना भी सॉल्ट डालें लेकिन हम उसका वाटर जो है वो ड्रेन करते हैं तो उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो हमेशा कम ही हो जाता है। तो ग्रेवी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उसको बैलेंस कर देगा, तो उस टाइम पर आप जो है वो उसका सॉल्ट जो है वो चेक करके वो भी एडजस्ट कर लीजिए। तो ये कोरमा जो है वो हमारा बिरयानी का ये अब रेडी हो गया है। अब चलते हैं जो राइस है उसके प्रिपरेशन की तरफ। ये 4 कप राइस थे, बासमती राइस मैंने लिया हुआ है, इसे मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके और इसे पानी में जो है वो सोख करके रख दिया था। यहाँ पर पानी भी जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इस पानी में मैंने सिंपली जो है वो सिर्फ सॉल्ट डाला है, पानी अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट से नहीं डाला है क्योंकि अल्टीमेटली हमें एंड में जो है वो राइस को जो है वो ड्रेन करना है तो पानी आपसे ज़्यादा ही लेना है। अब नमक जो है इसके अंदर आप थोड़ा सा दिल खोल कर डालिए क्योंकि पानी जब ड्रेन हो जाता है तो फिर वो उसमें राइस में ज़्यादा जो है वो नहीं बचता है, तो अगर आप एकदम राइस के बराबर अगर सॉल्ट डालेंगे तो राइस में जो सॉल्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो आपको एटलीस्ट डबल तो डालना ही पड़ेगा ताकि ड्रेन होने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी जो है वो राइस में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए पानी जो एकदम अच्छे तरीके से खोल गया है, अब इसके अंदर जो है वो राइस को मैं डाल दूंगी। संभाल कर डालिएगा, पानी एकदम गर्म होता है इस टाइम पे।
इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे मैं ढक देती हूँ और तेज आंच पर ही पकाते हैं, जब तक पानी में अच्छे से जो है वो उबाल नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद ढक्कन हटा देंगे हम इसे, और चावल को जो है वो 80% होने तक जो है वो हमें कुक करना है। यहाँ पर देखिए राइस जो है एकदम अच्छे तरीके से पक रहा है, तब इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर डालूंगी। विनेगर डालने से जो राइस है हमारे वो थोड़े खिले खिले और थोड़े से वाइट बनते हैं। विनेगर ना हो तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो और जो आप डालना चाहें। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, और इस पॉइंट पर जो है वो राइस को हमें छोड़ना नहीं है किसी और कामों में लगकर, क्योंकि राइस अगर ज्यादा कुक हो गए ना तो फिर सारी बिरयानी जो है हमारी वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो देखते रहना है कि राइस कितना हुआ है। ये देखिए चावल को मैं देखती हूँ अभी कितना हुआ है, ये इजीली कट हो जा रहा है, मतलब ये 80% के करीब जो है ये कुक हो गया है। अब बस इसको मैं जो है वो ड्रेन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो हम उसकी लेयरिंग करके इसे दम पर रखेंगे। राइस जो है देखिए मैंने इसे ड्रेन कर दिया है और इसे बर्तन में निकाल दिया है, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। दम देने के लिए ये मैंने सेम पॉट लिया है जिससे मैंने राइस जो है वो बॉईल किया था। अभी चूंकि इसमें राइस हमें डालना ही है इसलिए जो राइस साइड पे लग गए थे इसे मैंने स्क्रैप नहीं किया है, अदरवाइज वो टूट जाते। तो अब बस इसके अंदर मैं ये जो ग्रेवी हमने बना के रखी है इसके बॉटम में मैं सारी जो ग्रेवी है वो डाल दूंगी। अभी ये जो ग्रेवी है मैंने सारे बॉटम में इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये प्याज जो हमने तल के रखी हुई है, ये इसके अंदर मैं थोड़ा भी इस टाइम पे ही डालूंगी। बाकी की जो बची हुई रहेगी वो हम डेयरिंग के टाइम पर डालेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालूंगी, इसे आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस भी डालते हैं और पोटैटोज डालते हैं, अंडे डालते हैं। मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ क्विक वाली, इसीलिए मैंने इसके अंदर अभी ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड नहीं की है। ये आपकी अपनी चॉइस है आप क्या डालना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो हम हाफ जो राइस है पहले वो डालेंगे। ये हाफ राइस जो है पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी अनियंस डालूंगी और थोड़े से धनिया पत्ता। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमने राइस को पकाते वक्त में कुछ भी ऑयल या घी वगैरह जो है वो नहीं यूज़ किया था, तो इसलिए अभी थोड़ा इस पॉइंट पर जो है हम डालेंगे। ये ऑयल वही है जिसके अंदर मैंने जो अनियंस है उसको मैंने फ्राई किया था। थोड़ी फ्लेवर्ड ऑयल है तो अगर आपके पास हो तो प्रेफर कीजिएगा वही डालिए, या तो फिर इसके अंदर आप असली घी जो है वो डाल सकते हैं। अभी ये बाकी का बचा हुआ हाफ राइस और था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं फूड कलर वो ऐड कर दूंगी। मैं ये ऑरेंज रेड फूड कलर है मैं वो डाल रही हूँ, आपको जो मर्जी हो, कुछ लोग ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो, सब मिक्स डालते हैं, जो आपकी चॉइस हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है वो डाल सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर भी मैं जो है वो ऑयल और थोड़ा सा असली घी दोनों ही चीज़ में डालूंगी। असली घी से थोड़ा सा इसका जो खुशबू है वो और भी अच्छी आती है। मैं इसके अंदर कोई केवड़ा एसेंस वगैरह ये सब कुछ नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो और आप डालते हो बिरयानी में तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर डालिएगा। मुझे उसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं जो ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ। साथ ही इससे मैं थोड़ा सा असली घी जो है ऊपर से वो भी डाल रही हूँ। अब इसे हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एकदम धीमी आंच पे, तवे के ऊपर अगर आप रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। तवा नीचे होने की वजह से ना जो उसका जो फ्लेम है वो से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी हीट ना, तो सारे राइस जो है वो अच्छे से कुक होते हैं। अभी मैं इसके ऊपर जो है वो ये अनियन जो है वो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वो एकदम सौगी हो जाते ऊपर से, तो हम जो है जब एक बार दम हो जाता है तब हम ऊपर से जो है वो डालकर जो है वो उसे खाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है सौगी अनियंस तो आप जो है वो इस टाइम पर भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। अब जो हम इसे दम के लिए रखेंगे, अभी दम पर मैंने इसे रखा है तो ये जो इसका होल है ना जहाँ से स्टीम बाहर निकल सकती है इसे जो है वो मैं कवर कर दूंगी। ये आटा है मेरे पास तो इससे जो होल है मैं इसे कवर कर दूंगी। आटा अगर आपके पास ना हो तो
फॉइल पेपर होता है ना, उसका ऐसे रोल करके उसे आप डाल दो, लॉन्ग डाल दो, तो वो होल जो है वो कवर हो जाता है। या तो आप ये पूरे ही लिड के ऊपर पहले जो है वो फॉइल पेपर बिछा करके इसको अच्छे से कवर कर दो, तो स्टीम जो है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ये देखिए मैंने फ्लेम जो है वो कितनी लो रखी है, और ये मोटा सा मैंने इसमें तवा भी रखा हुआ है। तब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा दम होने के लिए, उसके बाद जो हमारी बिरयानी है वो रेडी हो जाएगी। 20 मिनट्स के टाइम हो गया है, तो अब इसका स्टोव जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ, लेकिन हम इसका ढक्कन जो है अभी नहीं हटाएंगे, 10-15 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसके बाद जो है इसे डिश आउट करेंगे। सो तैयार है हमारी सिंपल सी बट बहुत ही डिलीशियस सी चिकन बिरयानी। ये कितनी सिंपल है और कितनी इजी है बनाने में, ये तो आपने देख ही लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होगी। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके अंदर। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें इसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।